Perfect. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और गर्मियाँ चालू हो चुकी है। गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है कूलर की। और यार भाइयों, कूलर जो है मार्केट में अगर आप लेने के लिए जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, लगभग 7-8 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। लेकिन भाइयों, मैंने आप सभी के लिए एक सबसे सस्ता तरीका निकाल दिया है। तो गाइज़, हम यहाँ पर जो कूलर बनाने वाले हैं वो इस ड्रम के द्वारा बनाने वाले हैं। तो गाइज़, ये जो ड्रम है लगभग 600 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा और हमारा जो कूलर है काफी कम रेट के अंदर बनके तैयार होने वाला है। भाइयों, मैं आपको इस वाली वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि आप घर पे कैसे कूलर बना सकते हो, एक बड़ी साइज का जो कि 220 वोल्ट पे चलेगा और अपने घर के अंदर जो है आपको पूरा कमरा जो है उसको ठंडा कर देगा। तो ज्यादा टाइम हमारा खराब नहीं करते, वो चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर और इसको यहाँ पर हमारा कूलर के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। भाई, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यार भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छी लगे तो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी टाइप की नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस कूलर के हमें सबसे पहले यहाँ पर एक सामने की साइड में गोल सा एक कट लगाना होगा और इसके जस्ट पीछे की साइड में एक चौकोर सा यहाँ पर हमें एक होल कट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस ड्रम के अंदर हमें एक बिल्कुल राउंड सर्किल कट करना है और ये जो सर्किल है बिल्कुल राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक देसी आइडिया दिखाता हूँ, अगर ये आइडिया आपको पसंद आए गाइस तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले एक स्क्रू यहाँ पर कस दिया है और उस स्क्रू के द्वारा हमने यहाँ पर एक मार्किंग ले ली कि हमें कितना बड़ा होल कट करना है और मार्कर के यहाँ पर हमने धागा बांध के और बिल्कुल राउंड सर्किल कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम होल करेंगे और इस सर्किल को यहाँ पर कट कर लेंगे। फाइनली हमारा आगे का होल जो है यहाँ पर पूरा कट हो चुका है। अब इसको पीछे की साइड में मोड़ेंगे और यहाँ पर हम होल कर लेंगे। तो हम सबसे ऊपर की साइड में यहाँ पर 3 इंच का हम यहाँ पर मार्किंग लेंगे और नीचे की साइड में आपको कितना बड़ा इसमें एसी पेड लगाना है, जो हमारा हनीकॉम है वो कितना बड़ा लगाना है उस हिसाब से आप मार्किंग लगा सकते हो। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी लचीली चीज़ लेनी होगी जो बिल्कुल सीधी हो और यहाँ पर हमारे राउंड सर्किल में एक मार्किंग लग जाए। और यहाँ पर हम चौकोर एक डिब्बा बना लेंगे मार्कर के द्वारा और यहाँ पर जो इसके कोने वो यहाँ पर गोलाई में हम देंगे ताकि ये अच्छा दिखे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं टेप ले रहा हूँ या फिर आप कोई कटोरी ले सकते हो या फिर कोई भी गोलाई वाली चीज़ ले सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जिक्सा के द्वारा कट कर लेंगे। अगर आपके पास जिक्सा नहीं है तो आप किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। फाइनली हमारा पीछे का भी यहाँ पर पोर्शन कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक मोटर की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमारे कूलर के अंदर जो फैन है उसको घुमाएगी। तो यहाँ पर मैं एक कूलर की मोटर लेके आया हूँ और ये जो है 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये के अंदर मुझे मिली है। कॉपर वाइंडिंग की मोटर है ये और इसका जो है एक सीजन जो होता है उसका यहाँ पर हमें इसका वारंटी मिला है। और ये 3 स्टेप मोटर है जो कि इसके अंदर 3 स्टेप तक स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। 2 बटन यहाँ पर मैं लूँगा, एक पंप के लिए और एक मोटर के लिए। और हमारी मोटर के यहाँ पर लेग्स जो है वो भी आपको लेने पड़ेंगे, वो आपको जहाँ से मोटर खरीदोगे वहाँ पर आपको ये लेग्स मिल जाएंगे। अब गाइस, इस लेग्स को हमारे मोटर के ऊपर यहाँ पर हम अच्छे से कस देंगे। भाई, ये जो लेग्स है ये लेग्स हमारी कूलर की बॉडी जो है उसके अंदर यहाँ पर इसको मोटर को टिकाने में काम आएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा बेंड कर दिया है, केकड़े की हाथ पांव जो होते हैं उस टाइप से मैंने कर दिया है। इसका कारण ये है कि हमारी जो ड्रम है उसके अंदर हम इसको फिट करेंगे तो यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो जाए। अब हमारे ड्रम के यहाँ पर जो हमने आगे की साइड में गोला कट किया है उसके चारों तरफ यहाँ पर हमें होल करना होगा और होल करने के बाद नट बोल्ट्स इसके अंदर डालने होंगे। इसके साथ में यहाँ पर मैं रबर के इस टाइप की ग्रिप का भी यूज़ करूँगा जिससे हमारी मोटर जो चलेगी उसका वाइब्रेशन जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर नहीं आएगा और हमारा जो कूलर है वो एक स्टेबल रहेगा। आपको ग्रिप आपको वहाँ पर मिल जाएगी जहाँ से आप मोटर परचेस करोगे और वहाँ पर ही आपको लेग्स मिलेंगे और हमारी मोटर को इस बॉडी के साथ में अच्छे से हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। फाइनली गाइस, हमारी मोटर यहाँ से फिट हो चुकी है। अब हमारा जो फैन है इस फैन को यहाँ पर आगे की साइड में हम लगा सकते हैं और यहाँ पर हमारा एक स्क्रू दिया गया है उसको टाइट करके हमारा फैन जो है बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अभी यहाँ पर मैं इसको टेम्परेली लगा रहा हूँ, इसको वापस खोलेंगे हम, इसके साथ में और भी काम करेंगे। अब पीछे की साइड में गाइज, यहाँ पर मैं हनीकॉम लगाने वाला हूँ, हनी पेड लगाने वाला हूँ। बहुत सारी जगह पर इसे एसी पेड भी बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर इसको हमें पीछे की साइड में फिट करना होगा। लेकिन गाइज, ये हमारा जो है राउंड सर्किल है तो यहाँ पर ये फिट नहीं होगा,
और आप देख सकते हो कि मैंने इस होल से थोड़ा बड़ी साइज का यहाँ पर एसी पेट लिया है। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले गीला करना होगा और उसके बाद में इसको मोड़ना होगा। और मोड़ते टाइम ये टूट जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सुखाने के बाद हम फेविक से आराम से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसको लगा रहा था उस टाइम पर ये टूट गया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम चिपका देंगे बाद में। अब यहाँ पर मैं लोहे की पत्ती यूज़ करूँगा, जिसके ऊपर की साइड में आप देख सकते हो कि कलर किया हुआ है, जो कि हमारा जंग नहीं पकड़ेगी। और इस टाइप की मैंने एक पत्ती कट कर ली है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में मैंने मार्किंग लगा रखी है, आप देख सकते हो इसके बीच में जो मार्किंग लगी है, इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो एसी पेड है उसकी मोटाई के बराबर। अब इस मोटाई को हम यहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे ताकि हमारा एसी पेड हम फिट कर सकें। फाइनली गाइज, मैंने यहाँ पर बहुत सारी पत्तियों को यहाँ पर कट कर लिया है, और आप देख सकते हो कि इनके अंदर होल भी किया हुआ है। होल इसलिए किया है ताकि हम इसको ड्रम के साथ में कनेक्ट कर सकें और हमारा एसी पैड है उस ड्रम के साथ में फिट कर सकें। इनके लिए नट बोल्ट्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और हमारा एसी पैड है इसको यहाँ पर मैंने मोड़ लिया है। बीच में से टूट चुका है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम सुपर ग्लू के द्वारा चिपका सकते हैं। और अगर नहीं भी चिपकाएंगे तो कोई बात नहीं, ये पीछे की साइड में इसी टाइप से फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस पत्ती को इस टाइप से लगाएंगे और अंदर की साइड में इसको फिट करेंगे। मैं आपको बाहर की साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बाहर की साइड में इसको रखेंगे निशान लगाकर, और एक होल कर लेंगे। होल करने के बाद हमारा यहाँ पर स्क्रू डालेंगे और इस पत्ती को अंदर की साइड में हम यहाँ पर टिका देंगे और स्क्रू के द्वारा इसको अच्छे से टाइट फिट कर देंगे। गाइस, अभी इसको पूरा टाइट नहीं करना है, इसको बस ऐसे टिकाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा एसी पेट लगाने के बाद ही इसको हम टाइट करेंगे। फाइनली इस टाइप से मैंने सारी पत्तियों को यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है। नीचे की साइड में मैंने 4 पत्तियाँ लगाई है, और दोनों साइड में मैंने 3-3 पत्तियाँ लगाई है। ऊपर की साइड में लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पर हम एक प्लास्टिक पाइप का यूज़ करेंगे, जो कि आप नल फिटिंग की शॉप से परचेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 इंच का पाइप का यूज़ करने वाला हूँ। इसको हम यहाँ पर गर्म करेंगे, मैं हीट गन का यूज़ कर रहा हूँ, आप गैस पे भी इसको गर्म कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो ड्रम है उस हिसाब से यहाँ पर इसको बेंड कर देंगे। गाइस, ये पाइप जो है हमारी मोटर से कनेक्ट रहेगा, जो कि हमारे एसी पेट को ऊपर से पानी देता रहेगा। अब यहाँ पर हमें होल करना होंगे इसके अंदर बहुत सारे। और यहाँ पर मैं 2 एंड कैप लेके आया हूँ, जो कि दोनों साइड में लगने वाले हैं। एक तरफ हम एंड कैप लगा देंगे और इसको अच्छे से ठोक कर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। फाइनली दूसरा वाला एंड कैप है, उसको लेंगे और यहाँ पर एक मैं निप्पल लूँगा, और इस निप्पल को लेने के बाद में हम यहाँ पर इसे 45 डिग्री पर यहाँ पर कट कर देंगे। 45 डिग्री को इस पर कट करने का कारण ये था कि इसको हम मोड़ के लगाएंगे तो ये 90 डिग्री पर यहाँ पर एंगल बन जाएगा, और हमारा जो यहाँ पर पाइप जो है अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। इसको सुपर ग्लू से चिपका देंगे पहले, और उसके बाद हमारा एंड कैप लेंगे, उसके अंदर हम होल करेंगे इस निप्पल की साइज का, और यहाँ पर इसको रख के इसको अच्छे से चिपका देंगे। गाइज, अब यहाँ पर इसको मजबूती देनी होगी, क्योंकि हमारा जो पाइप होगा उसके अंदर पानी होगा, जिससे बाद में टूट सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक धागा लेंगे कॉटन का, और उस धागे को इसके ऊपर इस टाइप से लपेटेंगे। गाइस, इस धागे को इस टाइप से लपेटने के बाद सुपर ग्लू से हम इसके ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। गाइस, सुपर ग्लू चिपकाने के बाद में जो धागा है ये प्लास्टिक जैसा टाइट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर टूटने नहीं देगा इसको। और नीचे की साइड में मैंने यहाँ पर धागा लगा दिया है, और ये मजबूती से चिपक गया है। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस आइडिया को आपने पहले यूज़ किया या फिर नहीं किया, और एक बार कहीं पर भी आप यूज़ करके देखना धागे वाला इस प्रोसेस को, काफ़ी ज़्यादा मजबूती बन जाती है। अब यहाँ पर मैं 2 क्लिप लूँगा इस टाइप के, और ये मैंने खुद ने बनाया प्लास्टिक की शीट से। प्लास्टिक नहीं गाइस, ये हमने यहाँ पर बनाया लोहे की शीट से। और इस लोहे की शीट पे पत्ती बनाने के बाद में इसको ड्रम के अंदर की साइड में हम लगा देंगे पाइप को, ताकि ये ऊपर की साइड में रहे। अभी आपको यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इस ड्रम को उल्टा कर रखा है, ये आपको नीचे की साइड में दिख रहा होगा, लेकिन अब जब इसको सीधा करेंगे तो ये पाइप ऊपर की साइड में चला जाएगा। गाइज, यहाँ पर हम यहाँ पर एक नली लेंगे, जो कि हमारा वाटर पंप जो होता है उसके नीचे की साइड में लगेगी।
और वाटर पंप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि आपको कूलर रिपेयरिंग की शॉप जो होती है वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। अब ड्रम को हम सीधा करेंगे और हमारी जो मोटर है वो नीचे रखेंगी और ऊपर की साइड में हमारा जो पाइप है वो लग जाएगा। अब हमारा जो एसी पैड है उसको हम पीछे की साइड में इस टाइप से लगा देंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो मैं यहाँ पर कैमरा बंद करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो गाइस ये सिंपल सा तरीका है, इसको अंदर की साइड में रखना है, नट बोल्ट्स वापस से खोलने और इसके ऊपर लगाकर वापस से टाइट कर देना है। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा यहाँ पर और बाद में हमारा एसी पैड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा यहाँ से। आपको ध्यान रखना कि आपने जो क्लिप लगाई वो मजबूती से लगने चाहिए इसके अंदर। हमारा जो एसी पैड है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फिट हो चुका है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम किया है। अब यहाँ पर इसकी वायरिंग करेंगे हम। इसके लिए यहाँ पर दो स्विच का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, एक रेगुलेटर का यूज़ करेंगे गाइस। एक स्विच हमारा वाटर पम्प के लिए, एक स्विच हमारा फ़ैन के लिए, और रेगुलेटर जो है यहाँ पर इसकी स्पीड कम ज़्यादा करेगा। इसकी वायरिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ब्लू वाला जो वायर आपको दिख रहा है ये कॉमन है, इसको हम डायरेक्ट कनेक्शन में देंगे लाइट में। और तीन वायर जो आप देख सकते हो पीछे की साइड में, रेड, ब्लैक और वाइट, तो हमारे रेगुलेटर जो है इसके बीच में जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है आपको, ब्लू लिखा हुआ है, उसको हमें डायरेक्टली सप्लाई देनी है, ब्लू वाले वायर के अंदर नहीं कनेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको रेड और वाइट और जो ब्लैक है उसके आपको लिखे होंगे वहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर कनेक्शन करना है। अगर आपको कनेक्शन करना नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो का लास्ट में इसका डायग्राम पूरा डाल दूंगा, वहाँ उसको आप देखकर पूरा वीडियो को समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर लिया गाइस, और यहाँ पर अब इस बॉडी के साथ में कनेक्शन कर देंगे। हमारे रेगुलेटर बीच में हम लगाएंगे और दोनों साइड में हमारे दोनों स्विच को लगाएंगे, तो फटाफट से इसका हम यहाँ पर कनेक्शन करके इसको फिट कर देंगे। और इसका डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हमारे दोनों होल हो चुके हैं दोनों स्विच के लिए। अब दोनों स्विच को यहाँ पर हम इस टाइप से लगा देंगे स्क्रू के द्वारा। इसका जो वायरिंग है गाइस वो यहाँ पर हम शॉट नहीं ले पाए, क्योंकि अंदर की साइड में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था हमारे कूलर के, और हमारा जो कैमरा होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर शॉट नहीं ले पाए। इसका डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। एक लीड हमने यहाँ पर लगा दी, डायरेक्ट हम 220 वोल्ट सप्लाई दे सके इसको। और आगे की साइड में हम जाली लगाने के लिए यहाँ पर एक फ्रेम लेंगे, क्योंकि भाइयों बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो उंगली कर देते हैं, बच्चे छोड़ो बड़े भी यहाँ पर उंगली कर देते हैं, बहुत सारे की उंगली करने की आदत है, तो यहाँ पर हम फ्रेम लेंगे और इसको यहाँ पर मोड़ देंगे इस टाइप से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ्रेम को हम यहाँ पर मोड़ने के लिए बहुत सारे कट लगाए हैं इसके अंदर। और ये जो फ्रेम है मुझे 120 रुपए की मिली है मार्केट से, और आपके यहाँ पर कितने की मिलती है मुझे ये पता नहीं, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा मार्केट में जाकर। तो इस टाइप से हमें बहुत सारे इसके अंदर कट लगा लेंगे। उसके बाद एक जाली लेंगे एल्यूमिनियम की, तो आपको एल्यूमिनियम की लेनी जाली, लोहे की नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोहे की लोगे तो उसके अंदर जंग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हवा जो होती है वो ठंडी हवा होती है, गीली हवा होती है जो कि जंग लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की जाली लेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर उंगली ना जाए बच्चों की, उतनी बारीक आपको लेनी है, ज़्यादा मोटी लोगे तो उंगली आ जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इस जाली को हम इस टाइप से यहाँ पर फ्रेम के आकार से कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक स्क्रू लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर वाइसर लगाएंगे इसके, और स्क्रू के द्वारा चारों तरफ यहाँ पर कस देंगे हम। फाइनली अब हमारी जो फ्रेम है इसके यहाँ पर भी हमें बारीक वाले होल करने होंगे इसके अंदर, चारों तरफ नहीं गाइस, इसके अंदर पूरी तरफ हमें सब जगह पर होल करने होंगे। उसके बाद ब्लैक स्क्रू के द्वारा हम यहाँ पर हमारी फ्रेम को अच्छे से टाइट कस देंगे। तो गाइस जैसे जैसे आप कसोगे यहाँ पर एक गोलाई लेना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमने इसके अंदर कट लगा रखे हैं।
तो गाइस फाइनली हमारा पूरा कूलर यहाँ पर बन गया है और जाली भी हमने लगा दी है और सब कुछ इसके अंदर फिट कर दिया है। अब यहाँ पर इसको चालू करके देखें। चालू करने से पहले इसके अंदर पानी डालना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे दो इस टाइप के ढक्कन है, इन दोनों के अंदर यहाँ पर पानी डाल सकते हैं हम। और इसके अंदर पानी डालने के लिए हमारे पास एक नली होगी, इस नली से हम इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसी नली से हम यहाँ से पानी निकाल भी सकते हैं इसके अंदर से। और अगर आप चाहते हो कि हमें पानी निकालने में यहाँ से प्रॉब्लम होती है, तो आप साइड में नीचे की साइड में एक नल भी दे सकते हो, जिससे आप हमारा जो डायरेक्ट पानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया ऑलरेडी, और यहाँ पर हमारे ढक्कन है पानी डालने के बाद बंद कर देंगे इस टाइप से, और इसके बाद यहाँ पर इसको चालू करते हैं। तो भाई अब यहाँ पर हमने इसके अंदर 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिया है। ये हमारा जो है हमारा पंप का बटन है, यहाँ पर हम इसको दबाएंगे तो पंप हमारा चालू हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये फैन का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैन को चालू करा, लेकिन ये चालू नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो रेगुलेटर यहाँ से ऑफ है। तो इसको हम यहाँ पर स्टेप से दबाएंगे, ये हमारा चालू हो जाएगा। इसके अंदर 3 स्टेप है, यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा स्टेप है जिसके अंदर ये जो नॉर्मली चलेगा, इसमें हमारी इसकी स्पीड बढ़ चुकी है यहाँ पर, और इसमें हमारी फुल स्पीड हो चुकी है, ठीक है गाइस। अभी आपको यहाँ पर कैमरे के अंदर समझ में नहीं आएगा, इसका साउंड आपको सुनाई में नहीं आएगा क्योंकि हमारे जो नॉइस इसके अंदर रिमूव कर देता है ये, तो आपको हवा की आवाज़ से ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी हवा की स्पीड। तो गाइस अब यहाँ पर हमारा पंप चालू करेंगे और आपको दिखा देंगे यहाँ पर जो एसी पैड है वो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पानी आ रहा है इसके अंदर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पानी है वो बाहर की साइड में यहाँ पर निकल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पानी बाहर की साइड में उछल के आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस टाइप का हमें यहाँ पर कार्डबोर्ड लेना होगा और इस कार्डबोर्ड को यहाँ पर हमें इस टाइप से फिट करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा गाइस कि पानी जो है बाहर की साइड में उछलेगा नहीं, और यहाँ से हमारा इसके अंदर की साइड में पूरा आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर चारों की तरफ कार्डबोर्ड लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है कि कार्डबोर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर गल जाता है या फिर कोई ख़राब हो जाता है, तो आप इस जगह पर प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हो, कोई सी प्लास्टिक शीट लगा सकते हो, जो हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर कार्डबोर्ड लगा दिया है और पानी जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर चल रहा है और बाहर की साइड में नहीं आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि एक दो बूंदें बाहर निकल भी रही, तो जब हम फैन चालू करेंगे तो ये हवा पीछे से खींचेगा और अंदर की साइड में सारा का सारा पानी अंदर की साइड में जाएगा और बिल्कुल भी पीछे की साइड में नहीं निकलेगा। मैं आपको यहाँ पर चालू करके दिखाता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा फैन चालू हो चुका है और यहाँ पर जो है हवा अंदर की साइड में खींच रहा है, तो पानी जो है सारा का सारा अंदर की साइड में जा रहा है, बाहर की साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो आराम से, कोई भी यहाँ पर पानी नहीं लीकेज हो रहा है, ठीक है। ये पहले का पानी है जो यहाँ पर पहले और निकला हुआ था, बहुत सारा निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो अब यहाँ पर इसकी जो हवा है वो आपको यहाँ पर चेक करके दिखा दी जाएगी, और यहाँ पर हवा को तो नहीं दिखा सकता मैं क्योंकि भाइयों हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन भाइयों अब यहाँ पर इसकी जो कितनी प्रेशर से हवा आ रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको चालू करेंगे और उसका देखेंगे हम, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर हमारा जो है हवा काफ़ी अच्छे से आ रहा है, आप देख सकते हो मेरे बाल को, और आपको बाल तो छोड़ो मैं आप कुछ और दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कपड़ा है, चादर, इस चादर को आप देख सकते हो, इसको इसके अंदर डालेंगे, काफ़ी अच्छे से हमारा जो चादर उड़ रहा है, ठीक है। पहले एक बार बंद करके दिखाते हैं आपको। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो चादर बिल्कुल डाउन हो चुका है, अब इसको वापस चलाएंगे, और यकीन मानिए यार काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ठंडी हवा रही है इसके अंदर से, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है रियल मोटर जो होती है वो यूज़ करी और बड़ा पंखा इसके अंदर यूज़ किया, जिसके कारण इसकी जो हवा है काफ़ी अच्छे से हमें मिल रही है। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लगे तो लाइक कर देना यार भाइयों, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय रेबिडीज।